ग्वालियर में 18 दिन पहले 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के दौरान दारोगा से वो भिड़ गया और मारपीट करने लगा। दारोगा सिविल ड्रेस में थे और इस वजह से लोगों ने उनके साथ झूमा झटकी कर दी। बाद में जब सच का पता चला तो आरोपी को ढूंढते हुए दारोगा के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब नशे में बहक गया, आरोपी रिश्ते में मासूम का बाबा लगता है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामले में एसएसपी अमित सांगी ने बताया कि आरोपी कल्लू राठौर को हजीरा चौराहे से दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा है। दरिंदे ने 26 जून को रिश्ते में लगने वाली 9 वर्षीय पोती के साथ हैवानियत की थी। मासूम को कुल्फी पसंद थी और उसी को दिलाने का लालच देकर रेल की पटरियों के पास झाड़ियों में ले गया, जिसके बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। 28 जून को बच्ची का शव पुलिस को मिला था, जहां सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिलने से आरोपी की शिनाख्त में आसानी हुई। आरोपी बच्ची का हाथ पकड़कर सीसीटीवी में लाते देखा जा सकता था। वहीं सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद से ही वो फरार हो गया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दर्दनाक कहानी सामने आई वो रूह कपा देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की चेहरे की 14 और सिर की 6 यानी कुल 20 हड्डियां बुरी तरह डैमेज मिली। नाक की हड्डी तो बची ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्चे को ले जाते हुए देखा था। आरोपी पर पुलिस ने पहले 10,000 रुपयों का इनाम घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के बाद ये इनाम बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया था। वारदात के बाद से ही पुलिस की एक दर्जन टीमें आरोपी की तलाश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दबिश दे चुकी थी। बुधवार सुबह 4 बजे शहर नाका पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और हजीरा थाने में उसकी जानकारी दे दी। दरिंदा हाथ से ना निकल जाए इसे देखते हुए दारोगा रामेंद्र सिविल ड्रेस में 4 शहर का नाका चौराहे पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी दारोगा से भिड़ गया और उनके बीच मारपीट होने लगी। तभी भीड़ जुट गई और गलतफहमी में दारोगा से झूमा झटकी कर उनकी शर्ट फाड़ दी गई। वहीं जब दारोगा ने अपना परिचय दिया तो पब्लिक ने दरिंदे की धुनाई करना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा ने किसी तरह उसे बचाया और लोगों की मदद से थाने लेकर पहुंचे। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शाहब शराब के नशे में बहक गया था, पहचाने जाने के डर से लड़की की हत्या करनी पड़ी और हत्या के बाद 18 दिन से लगातार भाग रहा था, थक गया तो वापस ग्वालियर लौटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।